तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज गंगा माँ यात्रा है। ये फुल आंध्रा में मनाए जाते हैं, लेकिन ज़्यादा सेलिब्रेशन ये एक्चुअली तमिलनाडु में। आज हर घर में मेहमान भरी हुए रहते हैं, सबके लिए नया कपड़ा, अच्छा अच्छा खाना। सब लोग गंगा माँ के लिए स्पेशल खाना बनाकर सर के ऊपर लेके जाते हैं, माँ के पास उधर पूजा करते हैं, ननवेज भी चढ़ाते हैं, ज़्यादा ननवेज होता है। देखिए, गंगा माँ जो थे वो एक धोबी की घर में पैदा हुए थे। तब जमाने में तो वॉशिंग मशीन नहीं होता थे, कपड़ा जो होते वो धोबी धोते थे। तो वो इधर उधर काम करके आके जब घर में पहुंचते थे तो उनको अच्छा खाना बनाने के लिए जो पास टाइम नहीं होता था, इसलिए वो जल्दी जो खाना बना सकते थे बनाते थे। वो एक स्पेशल डिश है जो गंगा माँ का बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है, वो खाना मैं आपको दिखाऊँगी। प्लीज़ वीडियो में बने रहिए। गंगा माँ की यात्रा जब शुरू होता है उससे एक हफ्ता पहले घर की मतलब फुल क्लीनिंग करना, सफाई करना, सब कुछ शुरू हो जाता है। मेहमान आना भी शुरू हो जाता है। उसके बाद सुबह माँ के लिए प्रसाद रेडी किया जाता है। उनका जो फेवरेट है वो है रागी। रागी में उनके लिए गिंजी बनाते हैं, वो पानी जैसा बनाकर माँ को चढ़ाते हैं। घर में फर्स्ट पूजा करते हैं गंगा माँ के नाम पे। उसके बाद बड़ा सा मटका लेके उसको फूल में सजाते हैं, नीम के पत्ते से ढक कर लेके जाते हैं जिधर गंगा माँ का विग्रह रखते हैं, पूजा करते हैं, मूर्ति बनाते हैं, उधर लेके जाते हैं। और जो लोग उधर मन्नत मांगते हैं वो लोग को उधर जाके कोई नारियल फोड़ता है, कोई कोई बलि चढ़ाते हैं। वो तो उनका ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन बलि चढ़ाते हैं लोग। नहीं तो मैक्सिमम लोग ये जो रागी स्पेशल है वो लेके जाते हैं। और उधर बड़ा बड़ा पात्र रखे होते हैं, उसमें लाके डालते हैं। प्रसाद के रूप में वो पात्र से सारे लोग कुछ कुछ लेके जाते हैं घर को। बहुत सारे गरीब लोग होते हैं, बहुत सारा ज़्यादा लेके जाते हैं, नहीं तो वो जो पात्र है वो फुल हो जाएगा, फिर बाद में रखने के लिए जगह नहीं होगा। इसके लिए उससे पहले वो क्लीन किया जाता है वो पात्र को। सुबह 6 बजे से मतलब शुरू हो जाता है। बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है, लोग बड़े श्रद्धा से माँ के दर्शन करने के लिए आते हैं, माँ की पूजा करते हैं, माँ को कांच चढ़ाते हैं, सिंदूर, साड़ियाँ, जेवर, फूल माला सब कुछ चढ़ाते हैं। और माँ को पहनाने के बाद आशीर्वाद के रूप से उनसे लेके आते हैं। और पहनते हैं, घर में रखते हैं, पहनते हैं। सुबह पूजा होने के बाद फिर शाम में उनके लिए स्पेशल चावल बनाते हैं। चावल के साथ उनका फेवरेट है लड्डू, और चिकन मटन बनाकर लेके जाते हैं, अंडा, वो नॉन वेज भी उधर प्रसाद के रूप में चढ़ाते हैं। कहते हैं कि गंगा माता का जो फेवरेट है वो है रागी गंजी, जो पानी जैसे बनाते हैं। उसके साथ वो ड्राई फिश है ना, जो मछली को सूखा कर जो बनाते हैं, ड्राई फिश के साथ बैंगन को मिला के रखे खास करी बना जाता है, वो गंगा माता का फेवरेट है। वो करी के साथ वो रागी को वो खाते हैं। हर घर में ही खाना बनता है, मिनिमम 2 टाइम लोग पूजा करते हैं। सुबह रागी कंपलसरी बनता है। देखिए कितना बड़ा बड़ा पत्र रखा गया है। उधर लोग नंगे पैर इधर आते हैं, इधर मटका इधर डाल के माँ के नाम पर डाल के पूजा करके घर को वापस जाते हैं। 1 घंटा भी लगता नहीं, एक एक पात्र फुल मतलब फुल हो जाता है। उसके बाद वो खाली कर दिया जाता है, क्योंकि बहुत सारे भक्त आते हैं, वो फुल जगह तो फिर किधर डालेंगे। बहुत सारे पात्र इधर लगा गया है, हर जगह पे ऐसे ही सेलिब्रेशन होता है। बहुत सारे सामान आसपास बेचते हैं।
गुरु प्रसाद इधर डाल के नीम पत्ते को फेंक के चले जाते हैं। उसके बाद घर में सब लोग आते हैं अपने मेहमान के साथ, आराम से खाना खा के इसे गंगा माता का सेलिब्रेशन करते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। रखती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।